हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। अर्चना कश्यप के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। खाना खा लो फ्रेंड। ये देखो मैं रोटी बना रही हूँ। दीदी हम लोग के खाना नहीं बना है, आज संडे है, बच्चे लोग सब घर पे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए आज थोड़ा लेट में खाना बनाने तो बन जाता। पहले ही सुबह 7:30 बजे खाना बन जाता हमारे यहाँ। सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो चूल्हे में भी बना लेते हैं, क्योंकि चूल्हे में बहुत टाइम लगता है बनाने में। बच्चे स्कूल जाते, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो इसलिए गैस बहुत ज़रूरी होता है। किसके किसके यहाँ खाना बन गया है, उम्मीद करते हैं सबके यहाँ बन गया होगा, क्योंकि टाइम हो गया है 9:30 बज गए हैं। 9:30 गिरा दे पानी अब उसी पे। जल गई रोटी, नहीं खाएगी क्या? तो क्यों ले ली है? आधी लेती? इतना महंगा आटा खराब कर रही है, इतना इतना फेंक फेंक के। फ्री में आता है इसको, जितना खाया है ना, जितना खाने जाए उतने ही खा लिया कर, ज्यादा मत लिया कर खराब करने के लिए। जब कमाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। अभी फ्री का मम्मी पापा कमा रहे हैं, मेहनत कर कर के ला के, तो आधा खाए। सब्जी रखा पे है, सब्जी बड़ी खत्म हुआ करूँ। हाँ रोटी खत्म कर दे। हाँ तो खा। हाँ खाना नहीं फेंकना चाहिए बेटा, बड़ी मेहनत का खाना है। काटो देखो, काटो। राशन हो गया 32 रुपए किलो, आटा हो गया 40 रुपए किलो, चावल हो गई, चावल हो गया 170 रुपए किलो, दाल हो गया 120 रुपए किलो, तेल हो गया। इतना महंगा हो गया कि दिल्ली में रहना नामुमकिन है। करना क्या है अब, बस फटाफट 21 साल और दिल्ली में रह लूँ, फिर गांव निकल जाऊँ। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ बचता बचाता है नहीं, जो भी है सब बच्चे की पढ़ाई में लगता है, कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं है, अगर गरीब ऊपर वाला बनाता क्यों है पता नहीं। ना कोई शौक, ना कोई सपने, ना ढंग का घर, ना ढंग का रहना, ना ढंग का खाना, कुछ भी नहीं गरीब में होता है। अच्छा लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अच्छा अच्छा चीज़ खाते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ पहनते हैं। हम लोग अगर 6 साल भरे में अगर 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा बनवा लें वही बहुत है, क्योंकि पैसे ही होते हैं। जिंदगी ये गरीबों की है तो गरीब ही मरना पड़ेगा, अमीर थोड़े नहीं हो जाएगा कोई। हमारे घर में भी दुख, मायके में भी दुख था, ससुराल वाले ससुराल में भी दुख, ससुराल में भी ड्यूटी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। मायके में थे तो मेरे पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत मुश्किल की ज़िंदगी थी, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि पापा थे नहीं, भाई थे, और जिससे कि जो हम 7 लोग थे,
सिर्फ पापा दो लोग की शादी करके चले गए थे छोड़ के। हम लोग ऐसे थे तीन चार साल के। मेरे बड़े वाले भाई के पास सारी जिम्मेदारियां आ गई। वो जिम्मेदारियां उठाते रहे तो पढ़ाने का कोई मौका ही नहीं था। तो पहले तो ऐसे भी हम लोग के गांव में पहले दूसरे का खेत काटते थे, इसमें अनाज पानी जो भी मिलता था वही होता था खाने के लिए, तो पढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे जिंदगी का बहुत 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 बुरी कहानी है, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है। मेरे जो है हो सकता है हमारे नशे में यही हो, गरीबी झेलते आ रहे हैं। कोई गरीब कुछ भी हो हंस के जीते हैं, कितना भी दुख हो या वो परेशानी हो ना, हम लोग हंस के जीते हैं, हंस के रहते हैं, दुख लेके नहीं बैठते कि हाँ मेरे अंदर में ये दुख है ये है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग मियाँ भी पढ़े नहीं हैं तो हम अपने बच्चों के लिए इतना पढ़ाने में सक्षम हो जाए, जहाँ तक होगा मुझसे वहाँ तक पढ़ाएंगे। हाँ हालांकि थोड़ा बहुत परेशानी तो है, क्योंकि पैसा की दिक्कत है हर जगह जाओ। कई स्कूलों में जब मैं एडमिशन कराने गई तो वहाँ तो बताए कि पेरेंट्स पढ़े होने चाहिए, फिर वहाँ से निकाल दिया गया। उन्हें कोशिश भी बहुत करी कि हाँ चलो कैसे एडमिशन हो जाए, फिर नहीं हुआ। बोले कि इसमें पेरेंट्स जब तक पढ़े नहीं होंगे जब तक का एडमिशन नहीं होगा। फिर मैंने दो स्कूल गई, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। फिर तीसरे में गई, फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, उन सब विनत करी तो वो मेरे लड़के का एडमिशन ले लिया। अब उसमें का है 3,000 रुपये महीने का फीस लगा एक महीने का लड़का था। ये लड़की छोटी है तो इसलिए मैंने नहीं डाला, अभी तो छोटे स्कूल में पढ़ रही है, उसका भी 800 रुपये जाता है फीस। तो इसलिए हम लोग सोचे, लोग वीडियो बनाता था तो हम भी कहते थे कि सबके बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में। मेरे दिल में होता हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो कुछ भी आता नहीं, किसी से पूछते हैं कि भैया ये इस जगह पे जाना है कैसे जाऊँ, इस जगह पे जाना है कैसे जाऊँ। लेकिन बस थोड़ा सा अगर पढ़े होते तो मुझे नॉलेज होता, इसलिए हम अपनी लड़की और लड़का का पढ़ाने के चक्कर में ये कदम मुझे उठाना पड़ा। क्योंकि आज के दौर में ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है, पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं है। पढ़ाई जो बच्चा देखे, बड़ा देखे, पेरेंट्स देखे, सबको ये वीडियो देखना शेयर करना है कि पढ़ाई के बगैर कैसी ज़िंदगी अधूरी रहती है। जो हम लोग महसूस करते हैं वो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे महसूस ना करें कि हाँ पढ़े नहीं है, मेरे मम्मी पापा पढ़ाए नहीं है। ठीक है, सबके यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जो लड़की लड़का वीडियो बनाते हैं वो करते हैं उसमें काम करो, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जो कोई नहीं पढ़ा उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। हम लोग जैसे नहीं पढ़े हैं तो हम लोग से पूछो क्या बीतती है, हिसाब करने में हर एक पॉइंट पे पढ़ाई, हर एक पॉइंट पे। अब हम लोग का जैसे पेरेंट्स मीटिंग होता है, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं उसमें हमें सर जी से पूछना पड़ता था, मुझे वेट करना पड़ता कब प्रिंसिपल सर खाली होंगे तो कब मैं उनसे पूछूंगी मेरा लड़का पास हुआ है या फर्स्ट आया है सेकंड आया है, ये सब वही समझाते, इसलिए ना मुझे वेट करना पड़ता है।
उनको कि वो जब खाली हो जाएंगे मैं पूछ लूँगी तब फिर मैं जाऊँगी कि मेरा लड़का कैसा आया पढ़ाई में। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर थोड़े से पैसे और होते तो हम और अच्छे स्कूल में, थोड़ा सा परेशानी होती है जिस स्कूल में, आप लोग तो समझ सकते हैं जिस स्कूल में है कि जो है अगर महीने का 4 दिन 5 दिन लेट हो गया फीस का तो उसमें जुड़ जाता है तुरंत फाइन, फाइन जुड़ जाता है तो मुझे फ़ाइन देना पड़ता है 200-250 ऐसे करके फ़ाइन देना पड़ता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि सब लोग वीडियो बना के कमा रहा है तो मैं भी वीडियो बना के क्यों ना कमाऊँ, सब लोग तो कमा ही रहा है तो इसलिए मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरी लड़की भी वीडियो को मतलब शौकीन है लेकिन हम सोचते हैं उसको वीडियो में नहीं लाना है, वो पढ़ाई करे हमारे जैसे गंवार न रहे। हमारे जैसे अगर कोई चीज़ हो कहीं भी राशन पानी लेते हैं मुझे हिसाब ही नहीं आता है जोड़ने, जोड़ना हिसाब नहीं आता है कि क्या 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 रेट का लगाया क्या खाने, उससे खुद पूछते हैं कितने का हुआ क्या रेट है। हमारी ज़िंदगी का बहुत खास दिन था, क्या बताएं, बहुत ख़ास था, बहुत लक्की भी था, बहुत अच्छा भी था। ज़िंदगी में तो सुख और दुख सब कुछ आते जाते रहेंगे, यही है कि थोड़ा सा बड़े होते तो, लेकिन हम अपने बच्चों का अनपढ़ नहीं बनाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे कितना भी। अब देख लीजिए इसे ऐसे कमरे में हम लोग रहते हैं, ये पर्दा लगा ली हूँ ताकि कि हमारी वीडियो अच्छी आए, ये चद्दर है, चद्दर खरीदी थी उसका पर्दा लगाई हूँ ताकि कि रहने का, तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मकान है पर उसका भाड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग नहीं रह पाते। ये 2000 रुपये में है तो इसलिए इसमें रहते हैं, इसी आउट एरिया है जगह का। मैं बारिश होती है छत भी चूता है, देखो ये छत भी नीचे चूता है, तो थोड़ा सा परेशानियाँ होती हैं लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अगर 1-1 रुपये जोड़ेंगे तो महीने का 30 रुपये जुड़ जाएगा आराम से, तो इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर का बताइएगा, ज़रूर से बताइएगा कि हाँ कैसी लग रही है। हमारी ज़िंदगी का ये असलियत है, हमारी ज़िंदगी में हम लोग पापा का प्यार कभी नहीं पाए कि हम लोग पापा के प्यार पाए हों, हमारे पापा ने इधर बचपन से ख़त्म हो गए। चलिए ख़त्म करते हैं ये वीडियो, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार यही सब कुछ है। अगर गलत वीडियो बनती है तो उस पर भी आप लोग कमेंट करके बताना कि नहीं अर्चना कश्यप ये वीडियो गलत, हम तुरंत हटा देंगे, गलत वीडियो नहीं बनाते। अगर लड़की से इसलिए नहीं वीडियो बनवाते क्योंकि अगर लड़की वीडियो बनाएगी तो मेरी बच्ची पढ़ेगी नहीं, हमारे जैसे अनपढ़ रह जाएगी। लड़का से इसीलिए नहीं बनवाते, आपने कभी देखा होगा मेरे वीडियो में ज़्यादा नहीं है बच्चे लोग, अगर थोड़ा बहुत ज़िद करते तो अपने पास बुला लेते वरना नहीं, क्योंकि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लिए ओके बाय, मेरे हाथ में भी तभी लगा हुआ है, ये वीडियो ख़त्म करते हैं।